हेलो स्टूडेंट्स गाइस, आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी को लेकर। जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक नंबर 4 चल रहा है। इससे पहले के टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक या उसको कहा जाए इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का एक बहुत वाइडर सेंस में मीनिंग है। हम लोग एज अ ले पर्सन क्या समझ जाते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, जो पॉलिटिकल मैप आपके माइंड में इंडिया का आता है, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। डोमेस्टिक टेरिटरी का इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक सेंस में एक बहुत वाइडर सेंस में मीनिंग दिया गया है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी एज यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, डोमेस्टिक टेरिटरी जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर बताई गई है, एज अ स्पेशल मीनिंग, उसका एक स्पेशल मीनिंग दिया गया एंड इज मच बिगर देन, और वो बहुत ज्यादा वाइडर सेंस में है देन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं उसके अंदर उसके ज्यादा बहुत ज्यादा एलिमेंट्स जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को हम अपने माइंड में ले आए और हम ये भूलने लगे कि वही हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से देखेंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब ज्योग्राफिकल टेरिटरी। हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं या हमारी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो पॉलिटिकल मैप आप लोगों के माइंड में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही, इंक्लूडिंग, उसमें क्या इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, हमारी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस और टेरिटोरियल वाटर हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल फ्रंटियर का पार्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मीन्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल बॉर्डर एंड एयर स्पेस ऑल्सो। क्लियर गाइस? सेकंड, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कंट्री की जितनी भी एम्बेसीज वर्ल्ड की हर कंट्रीज में, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अमेरिका, इंग्लैंड, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो इंडियन एम्बेसीज हैं, जो भारतीय राजदूत वहां पर हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स वहां पे जो काम कर रहे हैं, और हमारे मिलिट्री बेस, इंडिया का मिलिट्री बेस अलग अलग कंट्रीज के अंदर बना है, हमारी टेरिटरी से बाहर बना है, और हमारी कुछ ट्रीटीज हैं, हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ कुछ ट्रीटीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, हमारी कुछ कंट्रीज के साथ जो हमारे मित्र देश हैं, वहां पर हमारा मिलिट्री बेस बना है, वो मिलिट्री बेस भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड, मतलब वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर जहां जहां पर वो लोकेटेड है। बट एक्सक्लूडिंग, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, बट एक्सक्लूडिंग द फॉरन वंस लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। कैसे बच्चों? हमारी एम्बेसीज बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, वैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एम्बेसीज इंडिया में। जैसे मान लो आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, तो हम आपको क्या कहते हैं कि पहले आपको वीजा क्लियर करवाना पड़ेगा। तो इंडिया में, न्यू दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, आपको वहां पर जाकर अपना वीजा क्लियरेंस लेनी है। तो अमेरिका की एम्बेसी जो इंडिया में है, इंग्लैंड की एम्बेसी जो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो इंडिया में है, तो ऐसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी एम्बेसीज इंडिया में लोकेटेड है, वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का पार्ट
नहीं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। तो वही लिखा है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड बट एक्सक्लूडिंग वर्ड। लेकिन यहां पर एक्सक्लूड किया जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा, बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ऐसी एम्बेसी जो बाहर के देशों की है और हमारी टेरिटरी में है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, हमारे यहां पर ऑपरेट करने वाले शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, कहां पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर या अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो हमारी कंट्री के शिप्स, हमारी कंट्री के एयरक्राफ्ट जिनको ऑपरेट किया जा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, किसके द्वारा, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स द्वारा। तो बेटा वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, बेटा ऐसे शिप्स जो सिर्फ और सिर्फ फिश को पकड़ने के काम आते हैं, जो लोग फिशिंग करते हैं, जो लोग फिशिंग बिजनेस के अंदर हैं, जो मछली पालन के काम में लगे हैं, वो बेटा फिशिंग के लिए एक स्पेशल टाइप्स ऑफ शिप्स बनते हैं जिसको फिशिंग वेसल्स कहा जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, बेटा ये वो रिग्स होते हैं जहां से आप लोग नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं ऑयल को और नेचुरल गैस को। तो ये रिग्स लगे होते हैं बेटे सी में लगे होते हैं रिग्स, जहां से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैसेस को या फिर ऑयल को एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल दें बेटे, रिलायंस ने मुंबई हाई में अपने रिग्स लगा रखे हैं, तो बॉम्बे हाई एक जगह है बेटा सी के बीच में है, वहां पर रिलायंस के रिग्स लगे हैं जो पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और रिलायंस ने इंटरनेशनली उसके लिए क्या कर रखा है, इंटरनेशनल वाटर को यूज करने के लिए वहां से लाइसेंस लिया। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर और अदर एरियाज ओवर विच कंट्री एंजॉय एक्सक्लूसिव राइट्स, वहां पर रिलायंस ने एक्सक्लूसिव राइट्स परचेज कर रखे हैं जहां पे वो अपने रिग्स को यूज कर रही हैं गैसेस को और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के। बेटा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर, हमारी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा, और अदर एरियाज ओवर विच कंट्री एंजॉय एक्सक्लूसिव राइट्स, हमारी कंट्री ने एक्सक्लूसिव राइट्स परचेज कर रखे, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। आपने यहां पर क्या क्या सीखा, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स यानी कि जोग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस इंक्लूड होगा, हमारी कंट्री के एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और मिलिट्री बेसिस जो बाहर अब्रॉड में लोकेटेड है वो इंक्लूड होगा, हमारे शिप्स एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट बेटा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो कि ऑपरेट कर रही हैं रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर और अदर एरियाज के अंदर, वो भी हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी। आप अगर ज्योग्राफिकल टेरिटरी वाले पॉइंट से इसको कंपेयर करते हैं तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी मीन्स सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो आप अपने पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मीनिंग है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर से बहुत आगे है, बहुत ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर देखा जाता है। बेटा इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ करते हैं, आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन मैंने क्या बताया, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेसिस जो तो लोकेटेड होते हैं अब्रॉड हमारी टेरिटरी का पार्ट होता है। देखो आंसर क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, नहीं वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंडियन कॉन्सुलेट इन फ्रांस, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्रांस, दोबारा से पढ़ो, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर बैंक की ब्रांच है, ये तो हमने कहीं नहीं लिखवाया था, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंडियन मिलिट्री फोर्सेस सेंट टू मेंटेन पीस इन सीरिया, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सीरिया के अंदर हमने अपना मिलिट्री बेस बनाया होगा, जब हमने अपने मिलिट्री को वहां भेजा होगा तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में है तो उससे क्या फर्क पड़ता है,
तो इंडिया में ही ना, ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ब्रांच ऑफ एन इंडियन कंपनी इन लंडन, ये तो हमने कहीं नहीं लिखवाया कि हमारी कंपनी का अगर ऑफिस लंदन में है तो डी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, हमने कहीं नहीं लिखवाया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, यानी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। क्लियर है बात? तो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं, आइडेंटिफाई करें कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगा और आपको छोटे छोटे टाइम के अंदर, छोटे छोटे टाइम के अंदर छोटी छोटी बातों को समझा दो। आज का हमारा क्या काम हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है गाइस, बाय गाइस।